हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मिस्टर टॉक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक से ज़्यादा जीमेल आईडी कैसे यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक से ज़्यादा ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, और कैसे ऐड कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप एक से ज़्यादा ईमेल आईडी, मतलब कि दो या तीन ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि उसको सभी ईमेल आईडी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रखें, तो ये पॉसिबल है दोस्तों। तो आप ये कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में जीमेल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मेरी जीमेल की एप्लीकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे है मेरी जीमेल की एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ऐसा आपको राइट साइड पे ऊपर आइकॉन शो होगा, ठीक है। अगर आपने लोगो यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है तो आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट तो यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। अभी मुझे दूसरा अकाउंट ऐड करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे है ऐड अनदर अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करना है, ऐड अनदर अकाउंट। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप गूगल यानी कि जीमेल अकाउंट आप लॉगिन करना चाहते हो, आउटलुक या फिर हॉटमेल है, याहू का अकाउंट है, या फिर ऑफिस का अकाउंट है, या फिर आधार अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना है जीमेल अकाउंट। तो जीमेल अकाउंट करने के लिए मुझे गूगल पे क्लिक करना होगा। गूगल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है, आप फिंगर या फिर पासवर्ड जो भी है, अगर आप में पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। अभी साइन इन पे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ पहले। ओके दोस्तों, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। अभी नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे एंटर पासवर्ड, तो आपको जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गेट अ वेरिफिकेशन कोड, मैंने यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन किया है, इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो नंबर मुझे दिया गया है उसी नंबर पे, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आपका डायरेक्ट है वो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूरी है, आप ज़रूर कर लेना। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन अभी मेरा हो रहा है। देखो ये ऑटोमेटिक टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरा हो चुका है। अभी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे यस आई एम इन नीचे लिखा है, उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आई एग्री का बटन होगा, आई एग्री पे क्लिक कर दो। ओके दोस्तों, अभी ये गूगल सर्विसेज देखो ये लॉगिन हो चुका है हमारा दूसरा अकाउंट भी। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि दूसरा अकाउंट मेरा लॉगिन एक्चुअली हुआ है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से आपको ऊपर क्लिक करना है अपने आइकॉन पे। आइकॉन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे दोनों अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी ये वाला जो पहला मेरा ओल्ड अकाउंट था और दूसरा मैंने अभी ये लॉगिन किया। तो दोस्तों ऐसे आप अपने मोबाइल में एक ही एंड्रॉयड डिवाइस में आप मल्टीपल जीमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल ईमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।